आप इसमें देखेंगे मनी प्लांट के अंदर ये जूट की रस्सी से जी ये हमने पूरा ये जाल बनाया हुआ है। प्लांट तो मोस्टली यहाँ जितने प्लांट लग रहे हैं उनमें से मैक्सिमम प्लांट तो हमारे खुद के डेवलप करे हुए हैं, मतलब कटिंग से या किसी चीज से। तो इनको तीन गमलों के अंदर गोलाई में लगाया था हमने, फिर उसके बाद का रिजल्ट आपके सामने है। सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करें पर। और जैसे कि जानते हैं चैनल पे चल रही है राजस्थान के कोटा की सीरीज़, बैक टू बैक काफ़ी सारे गार्डनर्स की वीडियोस आप एंजॉय कर रहे हैं और मुझे भी काफ़ी मज़ा आ रहा है अलग अलग लोगों से मिलकर उनके गार्डन को देखकर। तो आज एक और ब्यूटीफुल एरिया में मैं खड़ा हूँ, देख सकते हैं अभी ये वेंटिलेशन एरिया है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये भी जाल है और ऊपर से जहाँ से रोशनी आ रही है ऊपर भी जाल आपको नज़र आएगा, जो कि अक्सर हर घर में होता है, वेंटिलेशन एरिया ज़रूर होता है लेकिन उसके ऊपर गार्डनिंग करते हुए आपको बहुत कम लोग मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जाल के ऊपर ही गार्डनिंग कर रखी है, काफ़ी सारे इंडोर प्लांट्स हैं और जो वॉल है यहाँ पे वो पूरी की पूरी मनी प्लांट से भरी हुई है। तो आखिर इस एरिया को कैसे डेवलप किया, किस तरह से यहाँ पे गार्डनिंग करी है, आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। आज एक बार फिर से मैं हूँ अग्रवाल फैमिली के साथ, राजीव जी और रजनी जी दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर गार्डनिंग करते हैं, काफ़ी लंबे समय से गार्डनिंग कर रहे हैं। तो आज हमें वो बताने वाले हैं कि आखिर उन्होंने इस स्पेस को गार्डनिंग के लिए क्यों चुना और किस तरह से वो गार्डनिंग कर रहे हैं, कितने समय से कर रहे हैं। तो बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलने वाला है। अगर आपके पास भी इस तरह का स्पेस है या फिर इंडोर प्लांट्स है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, पूरा वीडियो देखें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि मैं ऐसे ही भारत के अलग अलग गार्डनर्स के घर पर जाके उनके गार्डन को अपने चैनल पर दिखाता रहता हूँ। हर दिन सुबह 10 बजे आपको नई वीडियो देखने के लिए मिल जाती है, तो आप चैनल पर बने रहें। साथ ही मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें क्योंकि वहाँ पर आती हैं काफ़ी सारे रील्स और टाइम टू टाइम लाइव जाके भी मैं अपडेट आपको देता रहता हूँ, उनके लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक बार फिर से स्वागत है हमारे गार्डन में। थैंक यू सो मच सर। ये एरिया वो है जिसमें आपने बताया था वेंटिलेशन एरिया में हमने जो गार्डन बना रखा है जी, आप ऊपर देखेंगे ऊपर भी जो है पूरा खुला हुआ है जी, और जहाँ मैं खड़ा हूँ वो नीचे ग्राउंड फ्लोर के लिए वो रोशनी का सोर्स है, तो ये भी पूरा खुला हुआ है नीचे। तो हमने इस जाल के ऊपर पूरा ये गार्डन बनाया हुआ है। तो सर ये विचार कैसे आया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ टेरेस गार्डन काफी बड़ा है लेकिन इस एरिया में भी गार्डनिंग करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, खासतौर पे जाल में। अक्सर देखा जाता है कि जाल पे जैसे हम वाटरिंग करें या कुछ भी करें तो नीचे पानी गिरेगा, और मैं देख रहा हूँ कि रेन वगैरह आती होगी तो ऊपर से भी शायद पानी आता होगा। हाँ, पानी कैसे विचार आया कि मुझे यहाँ गार्डनिंग करनी है? विचार यहाँ पर कैसे आया, ये जगह जो थी इसमें पौधे लगाने के लिए तो मन था, बट जब कोरोना टाइम में कुछ ज्यादा ही फुर्सत थी करने के लिए, कुछ था ही नहीं, तो हम लोगों ने जो है आप इसमें देखेंगे मनी प्लांट के अंदर ये जूट की रस्सी से जी ये हमने पूरा ये जाल बनाया हुआ है। वाव, ऊपर तक पूरा? हाँ, ये पूरा ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक। तो ये 2020 में हमने इसको जाल बनाया था ये जूट से, और तीन गमले नीचे लग रहे हैं जिसमें मनी प्लांट लग रहा है। अच्छा, सिर्फ तीन गमले हैं और आप देखेंगे ये पूरा मनी प्लांट ये दीवार पे इस जूट की जाल के सारे धीरे 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 पूरा ऊपर तक चला गया है। ब्यूटीफुल। तो ये कोरोना में जो फुर्सत मिली जी, उसकी क्रिएटिविटी है कि उस टाइम को यूटिलाइज किया। नाइस। तो ऊपर वाले गार्डन को मैम ने डेवलप किया और नीचे वाले को आपने किया? हाँ, काम मैम ही करती है, इसमें सपोर्ट मेरा जरूर रहा कि हम लोगों ने इसको किया। और सारे एक्चुअली छोटी जगह है और रोशनी प्रॉपर आती है, पानी बारिश के दिनों में प्रॉपर आता है, सारे आप देखेंगे इंडोर प्लांट्स हमने लगा रखे हैं। तो सर ये ग्रीनरी का राज क्या है, यहाँ तो सारे के सारे पौधे आपके बिल्कुल ग्रीन है, तो जितनी लाइट मिलती है उतनी तो मिल ही रही है, लेकिन मैंने ये देखा है कि इंडोर प्लांट में लोग काफ़ी कुछ डालते भी हैं, तो आप क्या डालते हैं अपने पौधों में? हम लोग आप ये देखेंगे तो ये पास में हमारी किचन है। अच्छा तो नाइस। तो ये सोर्स है
जो भी जैसे दाल का पानी और ये इस तरीके के जो पानी होते हैं जो मेरी मिसेज है वो कुछ भी फेंकती नहीं है। अच्छा। उसी उन्हीं पानी को हम लोग इसके अंदर डालते हैं। इवन जो है मेरी मम्मी जो है रोज बादाम भिगो के खाती हैं जी, तो जो बादाम का जो पानी होता है वो भी हम इन पौधों में अंदर डाल देते हैं, वो पानी भी हम फेंकते नहीं है मतलब। नाइस, बहुत बढ़िया सर। अब चलिए यहाँ पे पौधों की बातें करते हैं। मनी प्लांट के बारे में आपने तो हमारे व्यूअर्स को बता दिया, जिनकी लीव्स देखेंगे फ्रेंड धीरे धीरे बड़ी होनी शुरू हो गई, काफ़ी बड़ी बड़ी लीव्स भी आपको नज़र आ रही है और पूरा का पूरा मनी प्लांट बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ग्रो रहा है। नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पे है पाम, पाम के साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे सर ने स्नेक प्लांट भी लगा रखा है। इसी के साथ में आपको सिंगोनियम की कुछ वैरायटी नज़र आ रही है, डिफन बेचिया भी आपको नज़र आ रहा है। सिंगोनियम देखिए यहाँ पे वेरीगेटेड जो कि बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है। ये आ गया मार्बल मनी प्लांट, ब्यूटीफुल। साथ ही में यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है जीजी, जीजी तो सर बहुत अच्छी ग्रोथ ले रहा है। कितना बड़ा लाए थे ये प्लांट आप? प्लांट तो मोस्टली यहाँ जितने प्लांट लग रहे हैं जी उनमें से मैक्सिमम प्लांट तो हमारे खुद के डेवलप करे हुए हैं, मतलब कटिंग से या किसी चीज से। और अगर कोई प्लांट आया भी है तो मेरे यहाँ जो भी प्लांट आता है मतलब वो 2 इंच 3 इंच से बड़ा प्लांट नहीं आता है। अच्छा, नाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल। मतलब वो प्लांट को खुद डेवलप करने में ज्यादा आनंद आता है कि अपन बड़े प्लांट लेकर आए उसकी वजह। मैं अपने कुछ प्लांट्स के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि कैसे इन्हें प्रोपोगेट कर सकते हैं और कैसे मतलब उनको एक से ज्यादा बना सकते हैं। जैसे एग्लोनिमा है तो इसको लिपस्टिक प्लांट भी बोलते हैं, तो इसके नीचे से ना आप देखेंगे ऐसे निकलती रहती हैं जैसे केले के पेड़ में निकलते रहते हैं। तो जब ये छोटा सा बेबी प्लांट बन जाए आप उसी समय इसको अलग कर लें और वो नए प्लांट में डेवलप हो जाएगा। सिंगोनियम है, सिंगोनियम में भी यही है, आप नीचे से देखेंगे तो काफी प्लांट्स एक के बाद एक उगने शुरू हो जाते हैं, तो इन्हें जैसे ही हम अलग करेंगे तो नए प्लांट में डेवलप हो जाएंगे। Nice. तो इसी तरह से ये सारे सिंगोनियम ये है, ये मैंने ये देखिए ये हम लेकर आए थे घोड़ा और हाथी, इनमें भी पेंट मैंने ही किया है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, ये पेंट वगैरह सब मैंने किया है। देखिए जैसे मैं एग्लोनिमा बता रही थी, टेराकोटा के होंगे ना जो आपने? हाँ जी, ये टेराकोटा के हैं। ये मेरे हस्बैंड का जब बर्थडे था तो अच्छा। मैंने इनके बर्थडे पर एक मिनी जंगल बना के दिया था, बट अब अनफॉर्चुनेटली मैं उसे देख नहीं पाई, थोड़ा खराब हो गया ये, अदरवाइज मैंने इसको काफी अच्छा डेवलप किया था। बहुत ही सुंदर, लेकिन अभी फिलहाल पिक्चर वगैरह रखी होंगी इसकी आपके पास? हाँ जी, हाँ, शेयर करिएगा। ये मेरे बेटे गर्वित को भी बहुत शौक है, तो उसने एक जंगल का लुक देने के लिए बांस के केन उसके लगाए थे। ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। वो उसी का है, ये छोटे छोटे प्लांट डेवलप करना ये काफी करता रहता है। और इसके बारे में तो इन्होंने बता ही दिया होगा आपको। जी जी, ये सिर्फ मैं ये देख रहा हूँ मैम, ये जो हैंगिंग बास्केट आपके यहाँ पे लगी है, हाँ जी, तो इसके बारे में बताइए, आप कुछ बता रहे हैं? मैं ये बता रही थी ये जिस पर लगा हुआ है ये भी मैंने एक्चुअल में आज जो एडवांस टेक्नोलॉजी है यूट्यूब हम जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो चीज़ हम सीखना चाहते हैं जिस एज में सीखना चाहते हैं यूट्यूब से आप बना सकते हो। मैंने बस ये जो इसकी रस्सी है ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाई थी जी। और इसी से फिर मैंने ये देख देख कर बनाया तो काफ़ी सुंदर बन पड़ा ये, तो मैंने इसमें लगा दिया। बहुत ही सुंदर। और इसके लिए भी हमने मनी प्लांट के लिए भी एक मनी प्लांट की डाली लेकर मैंने छोटी छोटी आप ये नोड होती है ना यहाँ से इतना इतना कटिंग करके पहले मैंने पानी में ग्रोथ किया था। जब इनकी रूट्स ऐसे जैसे डेवलप हो जाती है जी तो इनको 3 गमलों के अंदर गोलाई में लगाया था हमने। अच्छा। उसके बाद का रिजल्ट आपके सामने है। ब्यूटीफुल। मैं देख रहा हूँ जैसे आपने छत पे कुछ चीजें बनाई थी वैसे यहाँ पर भी कुछ नजर आ रही है मुझे। मेरा बचपन का शौक रहा है ये पेंटिंग का, तो ये हम लिक्विड सर्फ यूज करते थे उनकी बोतलों को कट करके। वैसे तो मैंने कई लोगों को देखा है इसे पेंट करते हुए लेकिन इतना डिटेल में किसी ने पेंट किया हो वो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हाँ। तो लगभग कितना समय लगा आपको एक? मैंने ऐसे 5 पॉट बनाए थे और करीबन 1 घंटे में 5 बना लिया हूं। 1 घंटे मैं काफी फास्ट बना ये पेंट 1 घंटे में 5 पे कर दिया आपने, वाह, फ्री हैंड बहुत जल्दी होता है ये फ्रेंड्स, कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। तो आप में से जो भी ये ट्राई करना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। संदीप जी ये देखिए मैंने ये है ना कोका कोला की बोटल्स होती हैं बड़ी वाली जी, उनको कट करके बनाए हुए हैं, ये हैंग करने के लिए बहुत प्यारा है। ये अब इसमें मैं हैंगिंग प्लांट लगाने वाली हूँ। अगेन इस पे भी देखिए फ्रेंड कितना सुंदर पेंट कर रखा है मैंने, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो आप भी कुछ इस तरह से अपनी पेप्सी की बोटल्स को चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये था अग्रवाल फैमिली का गार्डन जो कि बहुत ही सुंदर है। इस तरह के वेंटिलेशन एरिया में बहुत कम लोग गार्डनिंग करते हैं, अगर आप भी करना चाहते हैं या करने वाले हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको इस वीडियो में अच्छा क्या लगा उसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। मैं मिलता हूँ कोटा सीरीज़ के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा पर्सनल थॉट तो ये है कि वैसे अगर आप नेचर को बहुत पहले से पढ़ें और वेदास से लेकर भी पढ़ें तो इंडोर प्लांट कभी नहीं हुआ है हमारी। Thank you.
आपको लग रहा होगा मैंने क्यों नर्सरी की टाइप तरह से ये बिछा रखा है, क्योंकि मेरे एरिया में थोड़ा रेप्टाइल ज्यादा आता है। अंदर के पौधों को ठंडक बनी रहे, इसलिए ये पूरी एक रो मैंने यहाँ पर जेड की दे रखी है। पर हाँ, थोड़ा प्रपोशन हमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या होता है, लोग पॉट्स और प्लांट के अंदर प्रपोशन गड़बड़ कर देते हैं।